परंतु ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे सबके महबूब नेता राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दत्तात्रेय जी, हमारे स्पीकर साहब सीपी जोशी जी, पूर्व अध्यक्ष भी हैं ये, डॉक्टर चंद्रभान जी, सचिन पायलट जी, बाबू जितेंद्र सिंह जी, महेंद्र मालविया जी, और तमाम उपस्थित मंच पर बैठे हुए हमारे नेतागण, जिला अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, कार्यकारिणी के सदस्यगण, ये समग्र देश में पहला प्रयोग है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में आज जो प्रयोग किया गया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, पूरा कांग्रेस परिवार, खड़गे साहब को, राहुल साहब को मैं कहना चाहूँगा, ये परिवार कांग्रेस परिवार बैठा हुआ आपके सामने, ये परिवार है। हर गांव से, हर ढाणी से, हर परिवार से कांग्रेस कार्यकर्ता आज मौजूद है जयपुर के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका खुद का जो है एक इतिहास बन रहा है। आज़ादी के बाद में पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी खुद का भवन बनना तमाम कांग्रेस के लिए, जनों के लिए एक गौरव की बात है। इस मुबारक मौके पर मैं आभार व्यक्त करूंगा खड़गे साहब का, राहुल जी का, आपने आने में स्वीकृति दी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आपके कर कमलों से ही ये इसका शिलान्यास होना लाजमी था, स्वाभाविक था, और आपने वादा निभाया। आज पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस खुश हैं, हमारी पार्टी के मुखिया सब मौजूद हैं। इस मुबारक मौके पर अब शानदार कांग्रेस भवन बनेगा, एक नई शुरुआत होगी राजस्थान के अंदर, कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा, और जो चुनौती हो रही है देश के सामने उसका आभास हम सबको है। चुनौती चाहे लोकतंत्र खतरे की हो, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने इतिहास बना दिया, महंगाई के साथ में, बेरोजगारी के साथ में, सबसे बड़ी बात थी वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा के क्या मायने आप समझ सकते हो। राजस्थान में दावे के साथ कह सकता हूँ, राहुल जी और खड़गे साहब, सिरमौर बनेगा। हमने यहाँ पर शांति व अहिंसा का सरकार में विभाग बना दिया जो देश में कहीं नहीं है। हमने 20,000 लोगों को ट्रेनिंग करवा दी गांव गांव के अंदर। म्यूजियम बन रहा है जिसका आप अभी उद्घाटन करेंगे, और 2 अक्टूबर को रैली निकलेगी। 2 अक्टूबर को जयपुर की सड़कों पर मौन जुलूस निकलेगा। राहुल जी, जो आपका भारत जोड़ो यात्रा में जो संदेश था, प्यार का, मोहब्बत का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें, उस थीम को आगे बढ़ा रहे हैं, थीम को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारा बजट जो है, चाहे महंगाई राज का हो, चाहे कानून बनाए हो, हमने एक से एक बढ़कर के किसानों के लिए बनाया। कोई जमीन कुड़की नहीं होगी बगैर सुनवाई के उनकी। गिग वर्कर का बना दिया, आपकी सलाह थी। गिग वर्कर का कानून बना है, देश में दुनिया में कहीं नहीं बना है। आर्टिकल आ रही इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, दुनिया के मुल्कों को राजस्थान सरकार ने कानून बनाया है, वैसा कानून बनना चाहिए दुनिया के मुल्कों को और देश के राज्यों को। ये हमारे लिए गर्व की बात है। राजस्थान पहली बार देश के अंदर चर्चा में आ गया है। अपनी उपलब्धियों से हमने नए नए प्रयोग किए हैं, नए नए लोगों ने वादे के निभाए हैं, और मुझे गर्व कहते हुए कि जो आज राजस्थान जिस रूप में सामने आया है, आर्थिक विकास दर में हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 पे आ गए हैं, मुझे गर्व की बात। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है, नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान आज है 11.4%। तो कहने का मतलब यह है, आज हमारे लिए कांग्रेस भवन बनना नया संदेश देगा,
गुड गवर्नेंस हुई राजस्थान के अंदर। पहली बार किसी सरकार के खिलाफ में कोई सरकार विरुद्ध लहर नहीं हो, इससे बड़ी उपलब्धि है इन कार्यकर्ताओं क्या होगी आप समझ सकते हो सब लोग। मुझे गर्व है सरकार ने जो काम किए हैं वो बेमिसाल है। गांव के अंदर, घर के अंदर, गांव के अंदर, परिवार में, हर परिवार को हमने छूने का प्रयास किया है और माहौल ऐसा बन गया है राजस्थान के अंदर। और मैं आह्वान करता हूं आप सबका, आप संदेश लेके जाएंगे यहां से, खड़गे साहब का, राहुल जी का आने का संदेश यही है, इनका संदेश लेके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे। चाहे कितने ही फांसी ताकते हैं, प्रधानमंत्री 6 दौरे कर चुके हैं, बाकी मंत्री लोग आए रहे रोज के, पूरा कुनबा उनका यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं आपको मालूम है। दमखम आप सब में है, दमखम आप सब में है, दमखम बताने की आवश्यकता है। संदेश खड़गे साहब का, राहुल जी का आप लेके जाएंगे, यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, किसी भी कीमत पर इस बार सरकार रिपीट हो ये हमारा संकल्प होना चाहिए राजस्थान के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आज हम खड़गे साहब को सुनेंगे, राहुल जी को सुनेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना, मेरी बातें आप रोज सुनते हो, लाइव के अंदर सुनते हो, टीवी देखते हो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको, हमने वादे निभाए हैं, जो कहा है राहुल जी बार बार कहते हैं, हम कहते हैं वो करते हैं, और वो हमने करके दिखा दिया है जन घोषणा पत्र के माध्यम से। मुझे गर्व कहते हुए पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार माहौल बन गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये फासिस्ट ताकते हैं, खतरनाक ताकते हैं देश के लिए, खतरनाक ताकते हैं। हमें समझना पड़ेगा और जनमानस को समझाना पड़ेगा। आप संदेश भाग बैठे हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैंने कहा इतिहास में पहली बार सिर्फ कांग्रेस परिवार को बुलाया गया है और हमारे मुखिया, दोनों मुखिया बैठे हुए हैं। इतने में कहना चाहूँगा, इनका संदेश लेके आप जाएं, घर घर जाएं, तमाम मतभेद बुला दें आपस के अंदर, क्योंकि देश का सवाल है ये चुनाव। राजस्थान जीतने का मायने है जो चुनौती देश के सामने रखी गई है इन ताकतों द्वारा, उनका मुकाबला करना हम लोगों को है। राजस्थान की जीत एक संदेश देगी देश के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि खड़गे साहब और राहुल जी ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसके बाद में एनडीए गवर्नमेंट की चूल्हे हिल गई है, प्रधानमंत्री खुद घबरा गए हैं, जिस प्रकार के उनके विचार आ रहे हैं, बुखलाए हुए हैं लोग, उनका मुकाबला हमें करना है। आएंगी ताकतें, साम दाम दंड भेद, कोई धन की कमी नहीं उनके पास में, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो या आप जानते हो क्या हो रहा देश के अंदर, छापे पड़े इनकम टैक्स, ईडी, कुछ हो सकता सीबीआई के, अनावश्यक रूप से तंग किया जा रहा है, सब जानते हम लोग, जनता जान गई है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, सबसे पहले मैंने कहा आपको पधारे हमारे दो नेता, ये मौजूद फंक्शन था, इनको आना लाजमी था, दोनों पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से, तमाम प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की ओर से, राजस्थान के कांग्रेसजनों की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।